सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोब नहीं रहेगा। सेवाधारी सदैव नम्रचित निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। और सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। दो बातें बाबा ने कहा, रोग नहीं रहेगा और मुख्य गुण रहेगा त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकता, है ना। मनसा सेवा करने के लिए त्याग चाहिए, है ना, व्यर्थ संकल्पों का त्याग चाहिए। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले। हम सब कौन है? बेहद सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, है ना। सो हम निरंतर सेवाधारी। वो कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे, है ना। जो भी हम कर्म करें उसमें सेवा समाई हुई हो, निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा, इसको कहते हैं सेवाधारी। बहुत अच्छा डेफिनेशन बाबा ने कहा, सेवाधारी मना का उनका लक्षण क्या है। नेक्स्ट है, जैसे आजकल टीवी में चारों ओर एक स्थान का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, तो मधुबन भी टीवी स्टेशन है। चारों ओर टीवी के सेट लगे हुए हैं और टीवी स्टेशन पर जो एक्ट चलता है वो ऑटोमेटिकली सब तरह दिखाई देता है। तो मधुबन वालों का हर संकल्प भी चारों ओर दिखाई देता अर्थात फैलता है, क्योंकि टीवी सेट चारों ओर लगे हुए हैं। नोड़ी, मधुबन वालों का संकल्प चारों ओर चलते हैं। हम सब कौन है? मधुबन निवासी, है ना। हमारा संकल्प भी चारों ओर चलते हैं। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा संकल्पों की गति या मनसा स्थिति को चेक कर सकते हैं, वैसे मधुबन निवासियों के संकल्पों की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमारा संकल्प की गति या मानसिक स्थिति चारों ओर फैलती है, इसलिए हर संकल्प पर भी अटेंशन हो। इसमें अलबेलापन न हो, ठीक है। सो हम इस पर चिंतन कर सकते हैं। मधुबन वासियों का संकल्प चारों ओर कैसे फैलते हैं, क्यों, कारण क्या है? मधुबन निवासी मधुबन में बैठे हुए भी किसी प्रकार के विशेष संकल्प द्वारा वाइब्रेशन फैलाने चाहे तो इस एक स्थान पर बैठे हुए भी चारों ओर फैला सकते हैं। जैसे स्थूल चीज की खुशबू चारों ओर ऑटोमेटिकली फैल जाती है, वैसे ये वाइब्रेशन संकल्प के द्वारा चारों ओर स्वतः फैल जाए। मधुबन निवासियों की ये विशेष सेवा है। जैसे मधुबन में विशेष भट्टी करते हो तो वाइब्रेशन चारों ओर पहुंचते हैं ना। चाहे पत्रों द्वारा समाचार न भी जाए, लेकिन सूक्ष्म वाइब्रेशन मधुबन के बहुत सहज चारों ओर फैल सकते हैं। तो ऐसी सेवा भी करते हैं या सिर्फ यज्ञ को संभालने की सेवा ही करते हैं? मनसा सेवा करते हैं, यज्ञ सेवा भी करते हैं। कौन सा सेवा कर रहे हैं बाबा पूछ रहे हैं। कारोबार है कर्म द्वारा कर्मणा सेवा। कारोबार है कर्म द्वारा कर्मणा सेवा, लेकिन उसके साथ साथ मनसा सेवा की भी जिम्मेवारी है। बाप दादा तो वर्ष की रिजल्ट देखने आए हैं ना,
जो सदा पास रहते हैं, वो पास विद ऑनर कहाँ तक बने हैं। जो महान आत्माओं के साथ रहते हैं, साकार में भी समीप है और स्थान भी महान है, ऐसी आत्माओं की प्रारब्ध क्या बनती है। ना स्थान भी महान, साकार में भी महान आत्माओं का साथ रहते हैं, सो हमारा प्रारब्ध कैसे होगा, महान होगा ना। शास्त्रों में भी मधुबन की महिमा विशेष गाई हुई है, तो मधुबन निवासी हर बात में विशेष आत्माएं हर समय कोई विशेषता दिखाने वाली है। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, हर बात में विशेष आत्माएं हर समय कोई विशिष्टता दिखाने वाली है। जो भी ग्रुप आवे वो ये अनुभव करे कि मधुबन निवासियों में ये विशेषता थी। मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपूर्ण मूर्त थी, ना ये इम्पोर्टेंट है। मधुबन स्वर्ग में हर आत्मा सदा तृप्त आत्मा संपन्न मूर्ति थी। इसलिए क्या होता है, जो भी हम वाइब्रेशन संकल्प करते चारों ओर फैल जाता है। इसका डेट था 10/12/1978। नेक्स्ट है, सभी सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना माया छीन ले जाती है। माया का गेट बंद है या खुला हुआ है? अब गेट में अच्छी तरह से डबल लॉक लगाओ, सिंगल लॉक भी माया खोल कर अंदर आ जाएगी। डबल लॉक अर्थात याद और सेवा में बिजी रहो। अगर सिर्फ याद में होंगे, सेवा में नहीं, तो भी माया आ जाएगी। देखिए, याद में होंगे, सेवा में नहीं, तो भी माया आ जाएगी। डबल लॉक में माया अंदर नहीं आएगी, खटकाएगी, अंदर नहीं आएगी, अर्थात वार नहीं करेगी, है ना। मनसा सेवा भी बहुत है, अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व का परिवर्तन है ना, तो वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। अपनी वृत्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने कहा, क्योंकि वृत्ति से वायु वायुमंडल बनता है, वातावरण परिवर्तन होता है। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं, वृत्ति को कैसे हम शक्तिशाली बने बनाए, है ना। नेक्स्ट है, इसका डेट था 12/1/1979। नेक्स्ट है, जब अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में रिवाज है, एक ही सेंटर में, एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति हो लेकिन सामना करने की शक्ति नहीं। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। बाबा बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल के साथ बताया है ना। मल्टी स्टोर बिल्डिंग होता है, सब कुछ उधर एक साथ मिल जाता है, ऐसे ही हमारा साथ भी सर्व शक्तियां उनका स्टॉक होना है। अभी विदेश में मनसा सेवा का वातावरण और भी पावरफुल बनाओ, क्योंकि वहां की वैरायटी आत्माएं वायुमंडल से प्रभावित होंगी। पहले वाइब्रेशन उनको खींचेगा, फिर नॉलेज सुन सकेंगे। मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। व्यर्थ समाप्त हो तब मनसा सेवा कर सकेंगे। मधुबन से मनसा पावरफुल सर्विस का अनुभव करके और वहां के लिए अभ्यासी बनकर जाओ। जो भी देखे वो अनुभव करे कि ये शक्तियों की खान आए हुए हैं। जो शक्तियां अनुभव में आ गई तो अनुभव सदा काल जीवन का अंग होता है ना। एक बार हम अनुभव किया तो वो सदा काल हमारा याद में रहेंगे है? ज्यादा से ज्यादा अनुभवों की खान बनकर जा रहे हैं। जैसे बाप परफेक्ट है तो बच्चे भी बाप समान, कोई डिफेक्ट ना हो। हर बच्चा
परफेक्ट चाहता है बाबा, है ना, डिफेक्ट ना हो। इसका है 5/2/1979। नेक्स्ट है, सो बाबा ने क्या कहा, व्यर्थ संकल्पों का समाप्त करने के लिए कहा, एकाग्रता बढ़ाना है मनसा सेवा के लिए, है ना। नेक्स्ट है, अलग अलग ग्रुप बनाओ। जैसे शुरू में पुरुषार्थियों के ग्रुप थे, हम शारीरिक पुरुषार्थियों के ग्रुप हो, उसमें अपने सप्ताह का प्लान बनाओ। अमृत वेले क्या संकल्प रखेंगे, क्लास के समय विशेषता क्या लेंगे, कर्मणा समय क्या लक्ष्य रखेंगे, शाम के समय योग में क्या विशेष अटेंशन रखेंगे, सैर करते हुए कौन सी मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन फैलाएंगे, रात को किस बात की चेकिंग करेंगे, ऐसे ग्रुप बना करके से रेस करो। देखिए बाबा कैसे युक्ति बता रहे, कैसे करना है, है ना। ऐसे दिल का उमंग होना चाहिए। प्रोग्राम से अल्पकाल के लिए होता है और मन का संकल्प अविनाशी होता है। देखिए प्रोग्राम से अल्पकाल के लिए होता है, हम प्रोग्राम का अनुसार हम करते हैं अल्पकाल को, लेकिन मन का संकल्प एक बार किया तो दृढ़ संकल्प अविनाशी होता है। ये संकल्प उठना चाहिए कि करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, तब चारों ओर ये वाइब्रेशन फैलेंगे। एक समय में एक नहीं दो सेवाएं करो। मधुबन है ही सारे विश्व के अंदर ऊंच स्तंभ। मधुबन कौन सा है, ऊंच स्तंभ। कहीं से भी देखो, चाहे दूर से चाहे नजदीक से, लेकिन स्तंभ तो ऊंचा ही दिखाई देता है, है ना। हमारे से ऊंचा ही दिखाई देता है। ऊंचा स्तंभ होने के कारण सभी की नजर जाती है, तो ये है विशेष बेहद की सेवा। देखिए बाबा रीजन बताए क्यों बेहद सेवा मधुबन से हो जाती है, क्योंकि ऊंच स्तंभ है। ब्राह्मण बाप समान कदम कदम चलना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने का मंथन करते थे, तो ऐसे सब बच्चों का मंथन चलना चाहिए। देखिए हमारा सारे दिन में टाइम नहीं मिलेगा, तो रात को जगकर मंथन करना। ऐसे नहीं कि जैसे कहेंगे प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, नहीं, इस बात में करो और कराओ। इस बात में जो ओटो सो अर्जुन से रह जाएंगे, इसलिए जो करेगा उसको सब फॉलो करेंगे। रोटी बनाते, कोई भी सेवा करते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप हो। इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कहा, रोटी बनाते, कोई भी सेवा करते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप हो, उसका स्वरूप बनना है। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं, डबल काम करते हैं, है ना। रोटी बनाते, कोई भी कर्म करते, दो दो काम करना, मनसा सेवा भी करना विश्व की। स्थूल हाथ चलते रहे और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। इम्पोर्टेंट लाइन है, स्थूल हाथ चलते रहे और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। सदैव सेवा के समय ये ध्यान रखो कि गुणमूर्त होकर सेवा करे तो डबल जमा हो जाएगा। सदैव डबल सेवा करो। डबल सेवा करने के लिए बाबा ने कहा, सिंगल सेवा नहीं, है ना, मनसा से भी सेवा करना। 23/11/1979। नेक्स्ट है, ब्राह्मण जीवन का अर्थ है सुनना और सुनाना, यही निजी कार्य है। बांदेलिया है, बांदेलिया तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त रहती है, हर घड़ी लगन रहती है कि किस घड़ी निर्बंधन बन बाप से मिले। तन वहां है लेकिन मन बाप के पास रहता है। परतंत्र तन के है, मन के तो नहीं है ना। तन को कितना भी तालों में रखे, मन को तो ताला नहीं लगा सकते।
अगर माया जीत है तो मन स्वतंत्र है। बांधे लिया अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। बांधेलियों को इस सेवा का बहुत बड़ा चांस है। आजकल मनसा सेवा ही चाहिए, क्योंकि विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की, है ना, मन की शांति चाहिए, इसलिए मनसा सेवा इंपॉर्टेंट। तो मनसा द्वारा शक्ति शांति के वाइब्रेशन फैला सकती हो। शांति के सागर बाप की याद में इसी संकल्प में रहना, यही मनसा सेवा है। मनसा सेवा क्या है? शांति के सागर बाप की याद में इसी संकल्प में रहना, बाबा का याद में रहना, बस यही मनसा सेवा है। ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती रहेगी। बाबा का याद में रहेंगे तो ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलते रहेंगे। तो शांति का दान देने वाली महादानी होना, हम सब महादानी है ना। 9 to 9:30 हम क्या करते हैं? सो इसका डेट था 15/12/1979। सो बाबा ने क्या कहा? बाबा का याद करना ही मनसा सेवा है, उससे ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती जाएगी ना। इसके लिए व्यर्थ संकल्प से हम दूर रहे ना, शुद्ध संकल्प में वृत्ति को सदा बिजी रखना। नेक्स्ट है, मनसा सेवा का साधन, सहज साधन अटूट निश्चय। देखिए क्या चाहिए मनसा सेवा करने के लिए? अटूट निश्चय चाहिए, निश्चय के बिना नहीं होगा। मतलब जो भी सदा निश्चय बुद्धि होकर विजयी रहते हैं, उन निश्चय बुद्धियों द्वारा वायुमंडल शुद्ध होता जाता है। पाप पर, खुद पर, ड्रामा पर, हर परिस्थिति पर, है ना, निश्चय चाहिए। वो मनसा सेवा करते हैं क्योंकि चारों ओर के व्यक्ति निश्चय बुद्धि आत्माओं को देख सकते हैं कि इनको कुछ मिला है। चाहे कितना भी घमंडी हो, ज्ञान को न भी सुनते हो, लेकिन अंदर में ये समझते जरूर है कि इनका जीवन कुछ बना है। तो जो शुरू से अटल निश्चय बुद्धि रहे हैं, उनकी ये सेवा चलती रहती है। ये भी मनसा सेवा है, लेकिन निश्चय बुद्धि होकर रहना भी मनसा सेवा है। और जो भी हम संकल्प करते हैं, हम दृढ़ संकल्प साथ हम करते हैं ना, सो उसका रिजल्ट मिलना ही है ना, डाउटफुली हम नहीं करते हैं। सो निश्चय से संकल्प करते हैं, निश्चय से बाबा को याद करते हैं, है ना। इसका डेट था 12/17/1979। नेक्स्ट है, अब संकल्प से भी सेवाधारी बनो। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले भी करते हैं, कर्मणा सेवा भी सब करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है मनसा सेवा। इस विशेषता को अपनाकर विशेष नंबर ले लो। सभी संतुष्ट तो रह रहे हो, और संतुष्ट रहना भी है। जहां डायरेक्शन मिले उसी अनुसार रहना, है ना। संकल्प से सेवा करना के लिए संतुष्टता चाहिए। इसका डेट है 19/12/1979। नेक्स्ट है, जैसे सुनाया कि गली गली में मंदिर के बजाय राजयोग केंद्र हो, अनुभव केंद्र हो, भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना, यही ज्ञानितु आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। शिवरात्रि आ रहे हैं ना, भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना, ये क्या है? ज्ञानी तो आत्माओं का कर्तव्य है। विशेष कर्तव्य है। कब बनेगा ज्ञान स्थान? जब भक्ति से वैराग्य आ जाए, तब ज्ञान का बीज पड़े। ऐसा अपनी मनसा सेवा से भी वातावरण बनाओ जो ये अनुभव करे कि भक्ति से मिला कुछ नहीं तो उपराम हो जाए, तब फिर ज्ञान का बीज सहज पड़ेगा ना। वो लोग भक्ति से उपराम होना है, वैराग्य नहीं, तब तो ज्ञान
ज्ञान का बीज उन पर पड़ेगा। सो इसलिए बाबा ने क्या क्या कहा, अनुभवी मूर्त हमें बनना है, दूसरों को भी अनुभव कराना है। सो 24/12/1979। नेक्स्ट है, मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। ये नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगी ही, लेकिन नहीं है ना, संपन्न बनने तक व्यर्थ संकल्प आएंगे ही, ऐसे नहीं। संकल्प अर्थात बीज को ही योगाग्नि में जला दो, जो आधा कल्प तक बीज फल न दे सके। संकल्प अर्थात बीज को ही योगाग्नि में जला दो, जो आधा कल्प तक बीज फल न दे सके। वाचा के दो मुख्य पत्ते भी निकल न सके, कर्मणा का तना और टाल टालिया भी निकल न सके। बीज को भी, संकल्प को भी हम जला दें। बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। अंत में संपूर्ण होंगे, इसी संकल्प को पहले खत्म करो, है ना। अभी हमको संपन्न होना है, संपन्न होना है ना। अभी बने तो अंत में भी बनेंगे, अब नहीं तो अंत में भी नहीं। इसलिए इस अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ। अंत में हो जाएगा नहीं, है ना, अभी अभी होना है। इसमें भी सोया तो खोया, फिर उल्हाना नहीं देना कि हमने समझा था अंत में संपूर्ण होना है। अंत में संपूर्ण होने का अर्थ को भी समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, ये कभी भी संकल्प में भी नहीं लाओ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, अंत में हम संपूर्ण हो जाएंगे नहीं, ना कमजोरियों के अभी ही हम खत्म करना है, अभी हम संपन्न बनना। सो तभी तो व्यर्थ संकल्प से मुक्त होंगे तो मनसा सेवा करेंगे, है ना। ये 23/1/1980 का है। नेक्स्ट है, सभी एवर रेडी और ऑलराउंडर हो। एवर रेडी माना ऑर्डर आया और चल पड़े, अर्थात ऑर्डर मिला और हाँ जी, क्या करे कैसे करे नहीं, क्या होगा कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है ही एवर रेडी और ऑलराउंडर, है ना। एवर रेडी रहना, मनसा सेवा के लिए भी हम एवर रेडी रहना है ना, ऑलराउंडर भी रहना। मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर वन, ऐसे नहीं वाचा में नंबर वन, कर्मणा में नंबर टू और मनसा में नंबर थ्री। जितना स्नेह से वाचा सेवा करते हो उतना ही मनसा सेवा से भी कर सके। मनसा सेवा भी उस उमंग उत्साह से करे, प्यार से करे। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले, प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हो, है ना। मनसा सेवा कोई भी कर सकते, वाचा सेवा कोई भी कर सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना, अपने स्थान का, शहर का, भारत का व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। हम विश्व सेवादार है ना, विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाना है। चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चट्टी कला में होगा। मनसा सेवा सफलता कैसे हमको महसूस होगा, सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चट्टी कला में होगा। हमारा मनसा सेवा सफल हुआ तो हम निर्विघ्न रहेंगे, है ना, चट्टी कला में उड़ते रहेंगे। चट्टी कला ये नहीं कि संख्या वृद्धि को पाए, चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी भी और वायु मंडल भी तथा स्वयं साथियों में भी
चट्टी कला, इसको कहा जाता है चट्टी कला। तो ऐसे अनुभव करते हो अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है, ऐसे तो नहीं अमृत वेला में अलबेलापन विघ्न बनता हो, ऐसे पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। अमृत वेले की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो, है ना। अमृत वेले बहुत पावरफुल स्टेज रहते हैं उसमें। सो अमृत वेले का बाबा क्या कहा, पावरफुल बनाओ। अच्छा 9 o'clock हुआ है, अभी हम यहाँ ही स्टॉप करते हैं। पेज नंबर 10 तक हुआ, कल से 11 हम पढ़ने पढ़ेंगे। अच्छा ओम शांति, थैंक यू, थैंक यू बाबा। अभी हम मनसा सेवा करेंगे। ओम शांति दीदी, ओम शांति श्वेता दीदी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी दीदी, ये जो अभी आपने एक्सट्रैक्ट पढ़े हैं ये कौन से हैं? एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया है। ये मनसा सेवा का है, स्पार्क रिंग का बुक है ये। हम शेयर किया है ड्यूर प्रशांत ग्रुप में, आप उधर से।
पूजनीय आत्मा है। तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हैं। तो ये देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड ले हो मत मत बखेर बखेर ले समेट मत जो दुआ देता है जिसको देते हैं उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआएं करती तो पूजा आत्माएं आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना। अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके चरचित्र दुआ दे रहे हैं तो आप चेतन पूज्य आत्माएं दुआ देना ये तो नेचुरल संस्कार। इसको को मेरा संस्कार मध्य द्वापर के संस्कार नेचर हो गए हैं, नेचर हो गए हैं। वास्तव में ये संस्कार दुआ देने का नेचुरल नेचर जब किसी को दुआ देते हैं
खुशी का वायुमंडल।
सभी हो दुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और सबका ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच शेयर करने के। अभी हम चिंतन करेंगे जो भी आपने सुना था मनसा सेवा के बारे में, चिंतन आप शेयर कर सकते हैं। पहले पॉइंट शेयर करें क्या सुना था, उसके बाद में हम चिंतन करेंगे। ओम शांति दीदी। जो आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही है। आज जो आपने स्पार्क की बुक पढ़ी ना मनसा सेवा की, बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स निकाल के भी लिखे उसके। अभी जो मनसा सेवा और याद दोनों में हम डबल लॉक करेंगे तो माया अंदर नहीं आ सकती, ये भी उसने बोला है। और बेहद के वैराग्य होने के लिए तो सेवा हम करें, बेहद के वैराग्य होंगे तो हम ये सेवा कर सकेंगे, मनसा सेवा तो हम नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम बेहद के वैराग्य बनना ही पड़ेगा। मनसा सेवा के लिए मन एकाग्र होना चाहिए। एक बाप का अनुभव सदा के लिए, एक बाप का अनुभव सदा के लिए याद बन जाता है। और व्यर्थ संकल्पों को मन की एकाग्रता से हम नष्ट कर सकते हैं, दृढ़ संकल्प से। अमृत वेले से लेकर सोने तक क्या क्या संकल्प करने हैं और क्या क्या वाइब्रेशन फैलाना है, यह भी बाबा ने बताया। अभी हम अमृत वेले में कौन से संकल्प करेंगे, मैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूँ। अगर हम ऐसे संकल्प पॉजिटिव करेंगे और वाइब्रेशन चलते फिरते वाइब्रेशन भी हम देंगे, किसी को शुभ भावना शुभ कामना देंगे, और रात को सोने तक जो भी हम अच्छे अच्छे पॉजिटिव संकल्प करेंगे तो बाबा ने बताया कि मनसा सेवा हमारी सफल हो सकती है। मनसा सेवा का सहज साधन बाबा ने बताया है कि दृढ़ निश्चय, अटूट निश्चय। अटूट निश्चय होगा तो हम मनसा सेवा
सहज कर सकते हैं। और एक बात फॉर एग्जांपल देखे बाबा ने बताई है कि हथ कार्डे दी आए, हम हाथ से कोई भी रोटियां, उन्होंने एग्जांपल दिया है रोटियां बनाने का, हम रोटियां हाथ से बना रहे लेकिन हम दिल से परमात्मा की याद कर रहे या बेहद की सेवा कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी तरह से मनसा सेवा हो जाएगी। और बाबा ने दूसरा भी बताया, गुरुमूर्त होकर सेवा करेंगे तो डबल सेवा हो जाएगी। मेरे पॉइंट हो जाने के बाद दीदी ये मुझे समझाओ कि गुणमूर्त होकर हम सेवा कैसे कर सकते हैं। मन से विश्व की सेवा करो बाबा ने बोला। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बाबा ने बोली है कि बांदेलिया प्रवृत्ति में भी जो है वो भी हम प्रवृत्ति में रहकर भी निवृत्ति हो निवृत्त रह सकते हैं मनसा सेवा से। शांति के सागर के याद में रहेंगे तो यही हमारी मनसा सेवा है। और शांति के दान हम ऐसे नहीं दे सकते, ऑटोमेटिकली हम बाबा की याद में रहेंगे तो शांति का हम दान दे सकते हैं, और शांति का दान देना ये महादान है ऐसे बाबा ने बोला। आज जो सदा निश्चय बुद्धि होकर हमसे सेवा करते हैं तो उनको अभी हम उनको देखकर लोग बोलते हैं कि बाबा इनको तो कुछ ज्यादा बहुत कुछ मिला है, ऐसा उनको लगता है कि बहुत प्राप्ति हो गई है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बाबा ने बताई है कि अपनी मनसा सेवा से भी वातावरण को हम बना सकते हैं, जो यह अनुभव करे कि भक्ति से मिला कुछ नहीं ऐसा उपरांत हो जाए तो फिर ज्ञान का बीज सहज हम डाल सकते हैं। अंत में बाबा ने यह भी बताया है कि हम संपूर्ण लास्ट में नहीं होंगे, हमें संपूर्ण बनने के लिए बहुत काल का अभ्यास होना बहुत जरूरी है, तो हम अभी से हम शुरू करेंगे तो अंत में हम संपूर्ण बन सकते हैं। ओम शांति दी। ओम शांति। जैसे मुझे आज के जो साकार मुरली में एक शब्द था ना कि बाबा ने कहा था ना कि मैं आपका मोस्ट ओबीडियंट टीचर हूँ, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मोस्ट ओबीडियंट ना, तीनों रूपों से कहा। जैसे अभी जो बहन जी ने बोला ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी बहुत मोस्ट ओबीडियंट बाबा के स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने देखा कि इतने सब बंधन होते हुए भी शायद कोई जानते नहीं इस बहन को, लेकिन मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत बताया तो इतने बंधन में होते हुए भी अपने बाबा के साकार मुरली अव्यक्त मुरली और अभी अभी ज्ञान में आए हैं ना, तो ऐसे इस ग्रुप में भी बहुत जन है जो लास्ट फास्ट जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमें भी बहुत बहुत आनंद होता है कि ऐसे आत्माएं जो और आगे जाए और आगे जाए। तो आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार हम कुछ बंधन नहीं होते इसलिए हम अलबेले बनते हैं कि क्या वही वही बातें हैं, लेकिन जिनको बाबा के ज्ञान का बहुत समय नहीं मिलता, कभी कभी बंधन होने के कारण होता है ना घर में कुछ मुरली को जा नहीं सकते, तो उसकी तड़पन जो है ना फिर हमको समझ में आती है। तो इस तरह हम भी बाबा की मुरली ऐसे ही नहीं सुनेंगे, एक तड़पती हुई आत्मा जैसे होता है ना प्यास लगी है तब हम तड़पते हैं ना, तो ऐसे बाबा की वाणी हम सुनेंगे। ठीक है, और भी कोई शेयर करे। ओम शांति भाई जी। मुझे घर के बाहर जाना अलाउड नहीं है तो भी मेरा परमात्मा आके मुझे सब फैसिलिटी दे रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए। आज मैं साकार मुरली से पॉइंट बोलती हूँ। आज का सुबह सुनेना, देवताओं को इस ज्ञान के बारे में पता नहीं पर हम ब्राह्मणों को ये ज्ञान के बारे में पता है। ब्राह्मणों को ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा बच्चों को बाप समान परफेक्ट बनना है, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मधुबन से जा रहे हो भर के जा रहे हो, सबको अनुभव हो कि कोई सेवा की खान भर के आई है, अनुभव शक्तियों का अनुभव हो सबको। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज साकार मुरली में मामा के महावाक्य थे, बाबा कहते हैं बच्चे मनसा बाचा करना
दग्ध कर दूंगा और परंधाम ले जाऊंगा। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे उसी रूप में याद करो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला था कि परिवर्तन करना है तो जैसे कई बार प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें तो हम अपना परिवर्तन कर लेते हैं, मगर परिवर्तन हमने सदा के लिए करना है। जो भी परिवर्तन करना है अपना, जैसे मनसा का वाचा का जो भी परिवर्तन करना है सदा काल के लिए करना है, वो थोड़े टाइम के लिए नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ भाई। हाँ जी, आज साकार मुरली के वरदान में जो बाबा ने बोला कि परमात्मा का प्यार ऐसा सुखदायी है कि जिससे हमारे जन जन के जो दुख हमें मिले हुए हैं, जो बोझ है, तो वो उन सबसे हम छूट जाते हैं। तो ऐसा सुखदायी प्यार को हर समय, अब यही संगम है का समय है जिसमें हम बाबा के साथ अपना संबंध बना, हर प्रकार का संबंध बना सकते हैं और जो है अपना बाबा की जो वर्षा है वो उसके हम अधिकारी बन सकते हैं। तो आज अपना एक अनुभूति बताऊंगी भाई जी, शेयर कर सकते हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आज ना हम गए थे कि किसी की ना रसन क्रिया थी, तो वहां पर गए थे। तो क्या हुआ कि वहां पर मैंने ना मनसा सेवा जो है बाबा को साथ लिया और मम्मा को और ब्राह्मण जो भी जो है अष्ट रत्न है जो पांडव हैं और शक्तियां, उन सबको साथ लेकर मैंने जब मनसा सेवा की ना, तो जिनकी डेथ हुई थी तो उनकी वाइफ जो थी वो युगल के लिए बहुत रो रही थी, इतनी अशांत थी वो। तो मैंने जब भाई जी की वहां पर मनसा सेवा की, सब आत्माओं को जो साकाश दिया, इवन जो आत्मा ने शरीर छोड़ा था उनको भी साकाश दिया। तो कुछ समय के बाद भाई जी की वो जो जो क्या कहते हैं कि उनकी वाइफ थी जिनकी डेथ हुई थी, तो वो एकदम से ऐसे शांत हो गई और पूरे रिलैक्स होकर हम सब के साथ बातें करना शुरू हो गई। जो कुछ समय तक सब उसको चुप करवा रहे थे और इतनी अशांत होने से, तो कुछ समय के बाद वो भी हमारा भी हालचाल पूछने लगे और वो हमारे यहाँ तक कि यहाँ पूछने लगे कि कहाँ पर आप रहते, हमारा एड्रेस। तो देखो मनसा सेवा में इतनी शक्ति है, और मुझे ऐसा फील होता है कि जिस समय किसी भी घर में डेथ हुई होती तो उसकी भी, जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा होता है तो उसकी आत्मा की भी वाइब्रेशन जो है पूरे वायुमंडल में फैली हुई होती है, तो उसका भी इफेक्ट आत्माओं के ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब सभी आत्माएं शांत हो रही, इसका मतलब कि उस आत्मा को भी जब मैंने सकाश दिया तो वो आत्मा के भी वाइब्रेशंस जो है अच्छे आने शुरू हो गए थे, जिससे कि उनके परिवार जन के जितने भी लोग थे वो भी सब शांत हो गए। तो बहुत इसके मैजिक्स हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई की। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। बोलो बोलो। अच्छा, ओम शांति। गान सागर बाबा আমাদের গান দেকর সদর্শন চক্রধারী ত্রিকালদর্শী বানায় ব্রাহ্মণ বান্না অর্থাৎ সেকেন্ড মে জীবন মুক্তি প্রাপ্ত কন্যা বাপকা বাচ্চা বানো অর বর্ষাক্ষ অধিকারী মিলা। ওম শান্তি। ওম শান্তি। মনসা সেবা কে বারে মে বাবা নে আজ বতায়া, जैसे सुनाया कि गली गली में मंदिर के बजाय राजयोग केंद्र हो, अनुभव केंद्र हो, भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना यही ज्ञानी तू आत्मा का विशेष कर्तव्य है। कब बनेगा ज्ञान स्थान? जब भक्ति से वैराग्य आ जाए, तब ज्ञान का बीज पड़े। ऐसा अपनी मन से सेवा से भी वातावरण बनाओ। जैसे बहन ने अभी बताया कि मनसा सेवा से कैसे वातावरण बनता है, जो वह अनुभव करे कि भक्ति से मिला कुछ नहीं, ऐसा उपराम हो जाए, तब फिर ज्ञान का बीज सहज पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। तो आपको एक और एक पता था कि कल हमारा
कल सुबह जो अव्यक्त मूल्य है उस 5:30 बजे तक एक अव्यक्त मूल्य क्लब का प्रोग्राम है, डॉक्टर मोहित गुप्ता भाई जी, शायद आप जानते होंगे, लेकिन उनका आईडी सिर्फ चेंज हुआ है, उनका इंग्लिश आईडी मुरली क्लब पे है, क्योंकि दोनों मिलके हिंदी और इंग्लिश मिलके प्रोग्राम रख रहे हैं। तो शायद इसका आपको प्रोग्राम का मिला हुआ आईडी, अगर नहीं है तो मैं भी ग्रुप में भी डालता हूँ और चैट विंडो में भी आपको भेजता हूँ। लेकिन याद रखना कल सुबह 5:30 to 6:30 तक उनका टॉपिक है हेल्दी हर्ट एंड हैप्पी माइंड, कि उनका टॉपिक का नाम है। आप भी क्या क्या करना, कल थोड़ा सा अगर टाइम है तो सुबह 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम है, क्योंकि उनका कुछ वर्कशॉप भी है, तो इसलिए वो प्रोग्राम रखा हुआ है। जी पुरुषोत्तम भाई जी ने डाला है। भाई जी टॉपिक का टाइटल क्या बोला आपने? टाइटल है हेल्दी हार्ट एंड हैप्पी माइंड। जी थैंक्स। लेकिन इसका आईडी थोड़ा सा चेंज है, आपको उस आईडी पर ज्वाइन होना पड़ेगा, या तो यूट्यूब का लिंक भी भेजा है। ठीक है ना, कल सुबह के लिए, कल शाम को तो उसी आईडी पे होगा हमारा, जो यही आईडी चलेगा, सिर्फ सुबह के लिए आईडी चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज बाबा को थैंक्स बोलते हैं कि बाबा ने बहुत अच्छा हमें समय दिया, और अभी शिवरात्रि भी नजदीक आ रही है ना, तो हमें दोनों सेवाएं साथ साथ करने हैं, मनसा या वाचा कर्मणा, जो कुछ है संबंध संपर्क में जो आते हैं उनको बाबा का परिचय देना, और खास महाशिवरात्रि। बाबा बोलते हैं ना कि महाशिवरात्रि सबको छुट्टी होनी चाहिए, एक मास मनाओ, हमारा बर्थडे है, कितने सारे अव्यक्त मूल्य इसमें चली हुई है। तो आज हम खास बाबा को मनसा सेवा के द्वारा सभी आत्माओं का आह्वान करेंगे, तो यही होमवर्क लेंगे कल तक, कि सबका आह्वान करना कि सभी बाबा के बच्चे बन जाए, जो बिछड़े हुए हैं, जो बाबा ने आज कहा ना हमें पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो, तो सब पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा बने, इसके लिए भी वाइब्रेशन देना। मैं तो हुई लेकिन सभी बने, सबका भला हो जाए, तो आज यही हम होमवर्क लेते हैं। तो लास्ट में हम 2-3 मिनट योगा अभ्यास करते, कौन करेंगे आज कमेंट्री? ठीक है, तो केवल ये आत्माओं को देखने का, आत्माओं को आह्वान करना, मैं हुई परम धाम निवासी आत्मा, और सभी आत्माओं का आह्वान करना कि सभी आत्माएं बाबा का परिचय ले, बाबा के घर आ जाए, और अपना मुक्ति जीवन, मुक्ति का वर्षा लेना। यही सभी आत्माओं के प्रति शुभ इच्छा भावना, शुभ कामना है। देखो सभी आत्माएं कितने खुश हो गए, सभी आत्माओं को संदेश दो कि मेरा बाबा आ गया, आप उनसे मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले।
देखो सभी आत्माएं कितने खुश हो रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं कि हमें भी भगवान मिलते हैं। देखो बाबा के कमाल, कितने सारे आत्माएं फिर से बाबा के घर में आ गए, फिर से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इस तरह सभी को बाबा का परिचय देना। थैंक्स बाबा, गुड नाइट सभी को, ओम शांति। गुड नाइट, ओम शांति।